इंट्रोड्यूसिंग सैमसंग गैलेक्सी P1। दोस्तों सैमसंग बहुत ही जल्द अपने बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि होने वाला है पी सीरीज। और दोस्तों पी सीरीज का पहला स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन। और सैमसंग पहली बार इस बजट कैटेगरी में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देने वाला है। दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो प्राइसिंग होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और इसका प्राइस और लॉन्च डेट कब तक होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन और डिस्प्ले से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एक पंच होल डिस्प्ले जो कि आने वाला है 32 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। और दोस्तों उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का एक फुल सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की बैक साइड की तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश जो कि आने वाला है बहुत ही बेहतरीन डिजाइनिंग के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट जिसका प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का। और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है एक्सिनोक्स का 9 का प्रोसेसर जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और आप दोस्तों इस स्मार्टफोन में बहुत ही आराम तरीके से पबजी खेल सकेंगे बिना किसी हैंग प्रॉब्लम के। एंड दोस्तों बात करते हैं फाइनली इस स्मार्टफोन की बैटरी की तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है 5000mAh की बैटरी जो कि 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आने वाला है। बात करें इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट जो कि सैमसंग के वन यूआई के साथ आने वाला है। और बात करें प्राइसिंग की तो यहां पर आपको इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग देखने को मिलने वाला है 14,000 से 15,000 रुपीस के करीबन जो कि आने वाला है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है जिसकी वजह से इस स्मार्टफोन का प्राइस काफी कम रहने वाला है सैमसंग के M30 के जैसे ही। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का ऑफिशियली रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन हमें कमेंट करके बताएं। एंड फाइनली दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।